टाइट, पुल की हालत टाइट। बिहार में पुलों की खुल गई पोल पट्टी। बाढ़ बारिश ने नहीं, भ्रष्टाचार ने खोली पोल। सुशासन सेतु की समाधि का असली सच। करप्शन की नींव पर बिहार में कई पुल टिके हैं। 30 जुलाई को हमने आपको बिहार में भ्रष्टाचार के पुल का रियलिटी टेस्ट पार्ट 3 दिखाया था। कल हमने आपको 5 जिलों में मौत को दावत देने वाले पुलों की असली कहानी दिखाई थी। आज हम एक बार फिर करप्शन के पुल का रियलिटी चेक करेंगे। बिहार में भ्रष्टाचार की सीमेंट से कब तक बनेंगे पुल? जी हाँ, यही सवाल भारत 24 के साथ देश की जनता कर रही है। आपको सतर्क करने और प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए हमने जो मुहिम चलाई है उसकी एक और कड़ी आज हम लेकर आ गए हैं। बिहार में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे पुल हैं जहां बेईमानी का सीमेंट और भ्रष्टाचार का कंकड़ पत्थर इस्तेमाल हुआ। बिहार में दरकते पुलों पर भारत 24 के सुलगते सवाल सुशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। आज हम आपको बिहार के 3 जिलों की हकीकत दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत 24 की स्पेशल सीरीज। और बिहार से आ रही ये जो तस्वीरें आपने देखी उस बात की गवाही दे रही है कि बिहार में ईमानदारी का सीमेंट कमजोर है। अब देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज बिहार में भ्रष्टाचार के पुल का रियलिटी चेक, साथ में आपके शिखा ठाकुर। कटिहार हो, मधुबनी हो या फिर हो सिवान या फिर सारण, पता नहीं कौन सा कंकर पत्थर जोड़ करके ये पुल बनाया गया जो लाल फीता कटने से पहले ही गिर गया। एक महीने में पुल कैसे धड़ाम हुए हैं वो सबने देखा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें खूब वायरल हैं और जम करके किरकिरी सरकार की हुई, लेकिन बिहार के अधिकारियों के आंखों से पट्टी नहीं उतरी। सच्चाई कड़वी होती है जनाब, और सच्चाई दिखाने से भारत 24 कभी पीछे नहीं हटता। कल हमने आपको 5 जिलों का रियलिटी टेस्ट करके दिखाया। आज हम आपके लिए 3 और शहरों की रियलिटी रिपोर्ट लेकर के आए हैं जिन्हें देख करके आप भी माथा पकड़ लेंगे। देखिए जरा, बिहार में बाढ़ तो नहीं आई, लेकिन भ्रष्टाचार की बाढ़ में पुल लगातार बह रहे हैं। नदी में पानी हो या नहीं, कई पुल ऐसे ही जल समाधि ले चुके हैं। बिहार में 15 दिन में करीब 10 पुलों ने आत्महत्या कर ली, वजह थी करप्शन। सुशासन का दावा करने वाले सूबे में पुल के गिरने पर जो सवाल उठे उसका जवाब किसी के पास नहीं है। जनता की जान खतरे में है, ऐसे में भारत 24 ने अपना फर्ज निभाते हुए एक मुहिम चलाई। बिहार में पुलों की असलियत बयां करने के लिए हर जिले में जाकर हर पुल का रियलिटी चेक हमने किया। हमारा मकसद कुंभकर्ण की नींद सो रहे प्रशासन को जगाना है, साथ ही बिहार के साथ भारत की जनता को सतर्क करना है। भारत 24 के रिपोर्टर्स ने जान की बाजी लगाकर उन पुलों का रियलिटी चेक किया जो कभी भी या तो गिर सकते हैं या करप्शन की नींव पर बने हैं। एक बार फिर हमारे कैमरों ने बिहार के पुलों का असली पोस्टमार्टम किया, जिसकी हकीकत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात पश्चिमी चंपारण की। चंपारण का मीट दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ के पुल इन दिनों अखबार की सुर्खियां बन चुके हैं। भारत 24 की टीम ने पश्चिमी चंपारण में 3 पुलों का रियलिटी टेस्ट किया। कैमरे के साथ जब हमारे रिपोर्टर सागर कुमार शुक्ला ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। पानी कैसे त्रिवेणी नहर की पानी अब नदिया में पुल क्रेक होने के बाद नदी में प्रवाहित होने लगी है, और ऐसे में भी विभाग मौन धारण किया हुआ है। बस अपनी कोरम पूरा करने के लिए विभाग ने दोनों तरफ से छोटी छोटी बोर्डें लगा दी गई है कि यह पुल क्षतिग्रस्त है, लेकिन ये पुल किसी बड़े हादसे को न्योता देने की इंतजार में लगी है। कभी भी बड़ी हादसा हो सकता है। बोर्ड पे लिखा गया है जरूर कि ये पुल क्षतिग्रस्त है, भारी वाहन ना ले जाए, लेकिन हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे अभी
कि बस भी इसी रास्ते से जा रही है और भारी वाहन भी लोग मजबूरी में लेके जा रहे हैं। तो देखा ना आपने, एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ जर्जर पुल। जिस दिन तेज बारिश हुई, ये पुल जल समाधि ले सकता है। जनता मजबूर है क्योंकि पेट के लिए इसी पुल से होकर गुजरना पड़ता है। जान हथेली पर लेकर रोज बाइक और कार से जनता त्रिवेणी नहर से सटे इस पुल से गुजरती है। पहले से बहुत क्षतिग्रस्त है, वो दोबारा वो दो तीन साल पहले वो रिपेयरिंग किया ऊपर, और ये गड्ढा उधर भी हो रहा है लास्ट में, और ये जो नया हुआ था तो अभी अभी ये इलेक्शन पड़ा था ना, तो इलेक्शन में वो बोल रहा था हमारे गांव का, वो पूरा जनता बोल रहा था जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं, तब तक वोट नहीं। हमारा रोड भी वैसे ही पड़ा है और ये पुल का रिपेयरिंग कर रहा है, रेलिंग भी नहीं है, नीचे से क्रैक हो चुका है पानी, वो पूरा क्रैक हो चुका है, वो धरती की तरह पानी जा रहा है। पुल से पानी लीक हो रहा है जो किसी झरने से कम नहीं है। पुल पर कुछ दिन पहले गड्ढा हुआ करता था जिसे पैच वर्क करके काम चलाने लायक कर दिया गया। बारिश के चलते नहर उफान पर है, लेकिन पुल के दोनों तरफ रेलिंग तक नहीं है। मतलब साफ है, जरा सी चूक और यमराज से सामना। अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए बस यहाँ एक बोर्ड टांग कर चलते बने हैं। पुल ना बनना सर, इस पे इतना बड़ा घटना होगी तब प्रशासन को पता लगेगा, गवर्नमेंट को पता लगेगा। उससे पहले घटना से बचाने के से पहले ही ये अपना जल्दी से पुल का निर्माण हो जाए सही से, तो अब जाके इंसान बच सकता है, किसी की जान बच सकती है सर। पश्चिमी चंपारण में कई पुल जर्जर हालत में हैं। सच्चाई ये है कि ये पुल अब गिरे तब गिरे वाले हालात में है। ये पुल भी पश्चिमी चंपारण का है जो बारिश में बह गया। करप्शन की नींव पर ये कैसे टिका था, उसकी गवाही कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें दे रही हैं। ये नदी यहाँ से भयानक कटाव कर रही है और नदी के बीच धारा में ही यह पुल बना था। ऐसे में अप्रोच जो है यह दो भागों में बढ़ चुका है, पुल जो है बीच में एकमात्र मूर्ति आकार बन के खड़ा रह गया है, बाकी आवागमन पूरे तरीके से बाधित हो चुका है। आवागमन बाधित होने के बाद लोग नदी को पार करके आ और जा रहे हैं। यह सड़क जो है गौना प्रखंड और नरकटियागंज अनुमंडल होते हुए मुख्य जिला को जोड़ती है, ऐसे में दर्जनों गांव की आवागमन को यह प्रभावित किया है। भारत 24 ने प्रशासन की पोल खोली तो जनता ने भी कैमरे पर आकर सच बोलने में देर नहीं की। जनता भी मानती है पुल लंबा होना चाहिए था और अगर इस सही मानकों पर बनता तो आज लाइफ लाइन बन जाता। बहुत दिनों बाद तो एक पुल बना था यहाँ पे सैनिक रोड पे, ठीक है, सैनिक रोड बना है अभी तक, सैनिक रोड का भी बहुत उधर तरह से आ रहे हैं तो आधा रोड अभी बाकी ही है, लेकिन पुल टूट जाने पुल अभी टूट गया है बारिश के कारण, तो अब दिक्कत ये है कि हम लोगों को नदी पार करके आना पड़ रहा है। दोनों तरफ अप्रोच बाढ़ के पानी में बह चुका है। इस पुल के टूट जाने से भारत नेपाल सीमा पर ट्रैफिक बाधित हुआ है और अब लोग नदी पार करके सफर करने को किसी तरह से मजबूर हैं। बहुत दिनों बाद ये पुल बना था और फिर जब बना तो बारिश आया और बारिश के कारण ये पुल का जो आगे का हिस्सा था वो पूरा टूट गया है, जिसके चलते अब फिर से बहुत जो भी आएगा उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसके चलते आप लोग नदी पार करके आ रहे जा रहे हैं, तो ये आप देखिए रहे हैं नदी पार करके जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं लोग। अब आपको पश्चिमी चंपारण के ही एक और पुल की हकीकत दिखाते हैं। ये पुल आधा गायब है, 2 से 3 फीट ही पुल बचा है जहां लोग जान की बाजी लगाकर रोजाना सफर करते हैं। हम अभी मौजूद है गौना प्रखंड के रूपवलिया और हरपुर घोटा के बीच में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह मुख्य सड़क है और सड़क पे ये पुल बना हुआ है। पुल नीचे से तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन आप तस्वीरों में सीधा देखिए यह अप्रोच जो है सड़क जो है टूट चुकी है। पुल का एक पार्ट दिखाना चाहेंगे हम आपको कैमरे में, ये देखिए पुल कैसे आधा पुल कट के पानी में समावेश हो चुका है और ये मुख्य सड़क जो है मात्र दो से तीन फीट बची हुई है जिस पे लोग साइड से मजबूरी में आ और जा रहे हैं, किसी तरह से अपना मार्ग को सुचारू बना रहे हैं, जान जोखिम में डाल के इस रास्ते से आना जाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में हम एक राहगीर हैं, उनसे बात करना चाहेंगे।
देखिए यार, रुपोलिया और हरपुर घोटा के बीच में ये पुल है जो कई पंचायत से जुड़ी हुई है। आज इतना ना क्षतिग्रस्त पुल हो चुकी है कि इसमें जान जोखिम भी डाल करके राहगीर आदमी जा रहा है आ रहा है। इससे प्रशासन और गवर्नमेंट से ही निवेदन है कि इस पुल को थोड़ा देख करके बनवा दे तो बहुत बेहतर होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये राहगीर थे जो बता रहे थे मुझे, बिल्कुल ये जर्जर हाल में पुल है अभी, जिसपे लोग जान जोखिम में डाल के आ और जा रहे हैं। ये मुख्य सड़क जो है कई पंचायतों को गोन्हा प्रखंड मुख्यालय से जोड़ती है और इसी रास्ते से लोग जिला मुख्यालय भी जाते हैं। पुलों का स्थिति लगातार कई जगह जर्जर है। भारत 24 एक मुहिम बना के ऐसी खबरों से सरकार को अवगत कराना चाहती है ताकि लोगों की समस्या से समाधान मिल सके। पश्चिमी चंपारण में भारत 24 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो नींव कमजोर और भ्रष्टाचार के मजबूत जोड़ की गवाही खुद दे रहे थे। कहा जा सकता है कि ये तो कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं बिहार में इतनी बड़ी संख्या में पुल ध्वस्त क्यों हो रहे हैं। पश्चिमी चंपारण से सागर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार के कई जिलों में पुल बनाने में भ्रष्टाचार ऐसा हुआ है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पश्चिमी चंपारण के पुलों का रियलिटी चेक तो आपने देख लिया, अब आपको बिहार के दो दूसरे शहरों का सूरत हाल दिखाते हैं। नालंदा और मुजफ्फरपुर से जो तस्वीरें सामने आई वो करप्शन की पूरी कहानी की पोल खुद खोल रही है। उधर उन सब के बीच पुल ऐसा पॉलिटिक्स में फंस गया है कि पुल की जल समाधि का सच निकालना ही अब मुश्किल हो गया है। बिहार में सिस्टम बदहाल है। भारत 24 के ग्राउंड जीरो से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। करप्शन के पुल की मिस्ट्री कैमरे पर खुली तो अधिकारियों की नींद उड़ गई। बिहार में गिरते पुलों का पोस्टमार्टम हुआ तो जनता को करप्ट सिस्टम का असली चेहरा दिख गया। अभी हमने आपको पश्चिमी चंपारण के 3 से 4 पुलों का रियलिटी चेक दिखाया, लेकिन अब हम आपको नालंदा का नजारा दिखाते हैं। हमारे संवाददाता जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो जनता ने बताया कि कैसे उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है और कैसे वो जान हथेली पर लेकर रोज घर से निकलते हैं। मैं मौजूद हूं नालंदा जिले के बीन प्रखंड के सक्सोरा मुख मार्ग पर और यह पुल कुम्भरी नदी पर बनी हुई है। यह पुल का निर्माण PWD के द्वारा 1977 में कराया गया था। इसके बाद पुल की देखभाल विभाग कभी भी जरूरत को नहीं समझा। आज पुल अंतिम सांसें ले रहा है। यह पुल बड़ी घटना को भी अंजाम दे रहा है। भारत 24 की कोशिश है आम लोगों को, सरकार को और प्रशासन के लोगों को आगाह करें, क्योंकि पुल का इस्तेमाल आने जाने के लिए लोग करते हैं और यह पुल पटना, बरौनी, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, देवघर, लखीसराय, मोकामा समेत कई मार्गों को जोड़ती है। रोज हजारों गाड़ियों की इस पर से आवाजाही होती है। पुल से गुजरने वाले हर एक गाड़ी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है, पब्लिक की भी होती है। यह पुल किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है। खराब नीयत, करप्ट सिस्टम और लापरवाही की नींव पर बिहार के कई पुल खड़े हैं और नालंदा भी इसे अछूता नहीं है। भारत 24 के संवाददाता ने पड़ताल की तो पता चला ये पुल कई साल पुराना है और अंतिम सांसें गिन रहा है। खस्ता हाल हो चुके पुल से सीमेंट झड़ रहा है, जंग लगा सरिया साफ नजर आ रहा है और प्लास्टर पुल पर नाक के बराबर बचा है। जर्जर बहुत पुराना पुल है सर, बहुत जमाने का, हम लोग आज से पहले का है। सक्सोरा बिंद मार्ग की जब पुल है, कुम्भरी नदी है, उसी पर पुल बना हुआ, उसी पर पुल बना हुआ पुराना है। इस पर ट्रक जाता, ओवर ट्रक, गिट्टी उट्टी, बालू उलू ले करके, तो कभी भी क्षतिग्रस्त टूट सकता है और टूटने के बाद नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आदमी बैठा हुआ रहता, कितना मर भी सकता, टूट भी सकता है। तो इसी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी तो हम बिन पुल पे हैं, कुम्भरी नदी के पास पुले पे, तो आवागमन करीब हजारों गाड़ी गुजरती है इस पुल पे से, और पुल का मतलब क्षति होल है, कभी भी गिर सकते हैं।
कितना गाड़ी इस पे से आवाजमन करती है? इस पे से करीब हजारों गाड़ी आवाजमन करती है। पुल कभी भी गिर सकता है? हाँ। इसकी शिकायत कभी किए हैं किसी से भी? शिकायत हुआ है, फिर भी देख रेख करने वाला, सुधार करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। कुछ ऐसा ही हाल मुजफ्फरपुर का भी है। पुल पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। पुल पर चलने वाले रास्ते से नदी दिख रही है, सीमेंट गायब है और जंग लगा सरिया दिख रहा है। बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार पुलों का गिरना जारी है। छोटी और बड़ी पुल लगातार गिर रही है, जो बिहार सरकार के लिए और बिहार सरकार की जो विभाग है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के दादर इलाके में हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मुजफ्फरपुर दरभंगा को जोड़ने वाली और सीतामढ़ी दूसरे जिलों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग जो 57 उसका ये पुल है। बेहद महत्वपूर्ण पुल माना जाता है और जो ट्रैफिक लोड है इस पर बहुत ज़्यादा है। जो छर है वो नज़र आ रही है, ऊपर से पेस्टिंग कर दी गई है कि ये चीज़ें नज़र नहीं आए, लेकिन जब गाड़ियों का आवागमन यहाँ पर लगातार हो रहा है, चूँकि गाड़ियाँ जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण पुल है, तो ऐसे में वाइब्रेशन के कारण जो पेस्टिंग की गई है वो बाहर आ जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार में जो पुलों का गिरने का जो सिलसिला है उसकी जो कुछ पड़ताल है, उस पड़ताल में ये चीजें सामने आ रही है और दिख रही है। इन पुलों पर सरकार की नजर कब पड़ेगी इसका तो अभी किसी को पता नहीं है। क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन लोग जान हथेली पर लेकर इसी पुल के सहारे पटना, मधुबनी, सीतामढ़ी का सफर कर रहे हैं। दादर पुल की दुर्दशा का जीता जागता उदाहरण कैमरे में कैद यह तस्वीर खुद बयां कर रही है। हर 24 आपसे वादा करता है कि जब तक अधिकारियों की आंखों से पट्टी नहीं उतरती और जनता सच्चाई नहीं जान जाती। इसी बीच एक बड़ी खबर है, बिहार में पुल हादसों के मामले में भारत 24 की खबर का असर हुआ। ग्रामीण कार्य विभाग ने किए कुछ और बदलाव। पारदर्शिता लाने के लिए किए गए ये बदलाव, विभागों को पुलों के हेल्थ कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया। मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। बिहार में पुल हादसों के मामले में भारत 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्रामीण कार्य विभाग में कुछ बदलाव किए गए हैं, पारदर्शिता लाने के लिए ये बदलाव। बिहार में ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए पुलों को तमाम तस्वीरें इसकी आपने देखी, आपके नजरों के सामने हमने रखी। एक के बाद एक जल समाधि लेते हुए पुलों की हालत देख मन में ये डर भी समा गया है कि कोई भी पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। यहां तक कि पुल पर चलने से भी दिल घबराने लगा है। करप्शन की नींव पर लालच का लेखा जोखा ऐसा है कि 15 दिन के अंदर 10 पुल जमींदोज हो गए। यह आंकड़ा अपने आप में हैरत में डालने वाला है और हैरत में डालने वाले इस आंकड़े को भारत 24 ने दुनिया के सामने रखा। तब जाकर के जिम्मेदार अधिकारियों की आंख खुली और अब मामले को ध्यान में रखते हुए विभाग में बदलाव की तैयारी की जा रही है। अब ग्रामीण कार्य विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ और बदलाव किए गए हैं। मंत्रिमंडल की निगरानी में विभाग से जांच करने का फैसला लिया गया। पारदर्शिता को दिखाने के लिए ये जांच मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से करवाई जाएगी। इसके साथ ही राज्य के अंदर पुलों के हेल्थ कार्ड बनाने का निर्देश भी है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग में टेंडर की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। इससे पहले 70% टेंडर ऑनलाइन होते थे और 30% ऑफलाइन टेंडर थे और ग्रामीण कार्य विभाग अपने रिटायर्ड इंजीनियर्स को आउटसोर्स के माध्यम से रखेगी। वहीं इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस तरह की तमाम जानकारियां भी दी है। हमारे यहाँ अब तक जो ऑनलाइन प्रोसेस थे वो 75% ही लागू थे, 30% वो ऑफलाइन ही था। तो उस ऑफलाइन से ऑपरेट करने में लोगों को कहीं ना कहीं निचले स्तर में उसको मौका मिलता था और उससे हमारे यहाँ केसेस जो है, प्रोसेस ऑफ टेंडर डिस्पोजल जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता था। तो इससे लिए माननीय ACS ने अपने जो टेक्निकल टीम के साथ बैठक करके उसको भी उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, हम पूरी तरह से 100% इसको हम ऑनलाइन करेंगे। तो इससे है कि डिस्पोजल ऑफ टेंडर्स पास होंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी को पुल और पुलिया में अंतर ही नहीं पता, इसलिए वो पुल और पुलिया को एक ही श्रेणी में गिन रहे हैं। वहीं उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में 2 लाख से ज्यादा पुल बिहार में बनाए गए। साथ ही सवाल उठाया कि तेजस्वी जब खुद मंत्री थे तब उन्होंने इन पुलों की जांच आखिर क्यों नहीं करवाई। माननीय नेता
प्रतिपक्ष को शायद पुल और पुलिया के बीच में उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए हर चीज़ को वो पुल ही मानते हैं। पुल का स्ट्रेंथ क्या होता है, क्योंकि टेक्निकल मंत्री रहे हैं, उनको जानकारी होना, पुल और पुलिया में फ़र्क है कि 15-20 वर्ष में इस विभाग ने पहली बार किसी कार्य के मंत्रिमंडल निगरानी को दिया। ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि नाउ वी नीड टू हैव बिजनेस, हम काम करना चाहते हैं, नोबडी इज़ गोइंग टू गेट स्पेट। अगर कोई गलत काम करेगा, कोई काम करके इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा, वो यहाँ चलने वाला नहीं।